हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प वीडियो लेके आया हूं। आपसे गुजारिश है कि उसे गौर से सुनें और आखिर तक देखें, और साथ ही अगर चाहें तो सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें। आप लोगों ने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा जो नापसंदीदा लफ्ज़ है, कंजर। हम इसको एक दूसरे माने में इस्तेमाल करते हैं या समझते हैं। इसकी कहानी क्या है? एक्चुअली ये लफ्ज़ जो है ये एक जाति है राजस्थान में, और इनको आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अनलॉफुल डिक्लेयर किया था, क्रिमिनल्स डिक्लेयर किया था। और जब आज़ादी हुई तो सरकार ने वो विड्रा कर दिया। अब चूंकि ये इनके साथ जुड़ा हुआ था तो सोशल स्टेटस का कहते हैं कि मामला बना था, और ये लोग जो इनके अपने नाम होते थे बड़े वो डिफरेंट होते थे, अनकॉमन हुआ करते थे। तो एक बूंदा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ एक रामनगर करके एक गांव है जहाँ इनकी आबादी अभी भी 5000 के आसपास है। तो ये लोग अपने नामों से खुश नहीं थे। अब हुआ यूँ कि जब दूरदर्शन आया तो इन्होंने दूरदर्शन पे नाम नए नए सुने, तो इन्होंने अपने नाम चेंज करना शुरू कर दिया। एक मजदूर था, उसने अपना नाम कहते हैं कि राजू गांधी रख दिया। इसी तरह एक औरत हामिला थी, तो जिस दिन उसका बच्चा हुआ उस दिन उस गांव में कलेक्टर जो थे वो दौरे पे आए थे, तो उस औरत ने अपने नए जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम कलेक्टर रख दिया। जिस दिन तहसीलदार आया उस दिन जो पैदा हुआ उसका नाम तहसीलदार रखा गया। इसी तरह किसी ने अपने बच्चे का नाम SP रखा है, किसी ने IG, और किसी ने किसी दूसरे अहदे का नाम इस्तेमाल किया। अब आप पूछेंगे कि इसमें कामन क्या? इनमें से जो हैं दो लोग अभी भी हैं, मतलब दो लोग हैं जिनका नाम, एक का नाम राष्ट्रपति है और एक का नाम राज्यपाल है। और ये यूनिक नाम जो उस गांव में है, जो वोटर लिस्ट में पाए गए हैं, 650 से 5000 की पॉपुलेशन है, 2000 वोट है, और 650 लोग इस तरह के हैं जिनका नाम IG, SP, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राज्यपाल और साथ ही साथ राष्ट्रपति। और ये सब लोग जो राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे अपना वोट करेंगे। अब जो है नए जो लोग हैं अब वो बिल्कुल नए नाम रख रहे हैं, और अब चूँकि इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन जो 80s के आसपास जो लोग वहाँ पर पैदा हुए हैं तो उनके नाम गाँव में इसी तरह के हैं। तो एक दिलचस्प ये बात थी, एक दिलचस्प वीडियो था, और इस बार कहते हैं कि मजाक है कि वहाँ पे राज्यपाल भी वोट करेंगे, राष्ट्रपति भी वोट करेंगे, जबकि दोनों जो हैं, जो हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति है वो राजस्थान से नहीं है और उनका वहाँ पर वोट नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में दो नाम दर्ज हैं। तो मैंने सोचा था कि एक दिलचस्प ये वाक्य है, और ये जो लफ्ज़ कंजर है तो इसकी एक थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी आपको बता दें। हम लोग बिल्कुल ही ज़्यादा उसको गलत माने में इस्तेमाल करते, जबकि इसके पीछे की कहानी जो है वो कुछ और थी। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये दिलचस्प लगा होगा। गुजारिश है कि शेयर ज़रूर किया करें और साथ ही साथ लाइक भी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।